इलाके में? देखिए बिल्कुल, इस समय स्वप्निल मेरे साथ में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा जी मौजूद हैं, मैं बात करने की उनसे कोशिश करूंगा। सर, जिस तरह से CHA जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं वो सारे अभी लगातार लंबे अरसे से जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और अब आज आपने ये कहा है कि जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उसे लेकर के उनमें नाराजगी है, कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, किस तरह से देखते हैं सरकार अपने लेवल पर क्या कर सकती है? कोविड में इनको इसी शर्त पर लगाया था, कोविड समाप्त होने तक, ये इनके लिखित समझौते इनकी शर्त पे इसी पे लगाया था, कोविड समाप्त होगा सेवाएं समाप्त। और हेल्थ विभाग में हमने पूरा दिखवा लिया, कहीं कोई CHA का पद नहीं है, ना इनको स्वास्थ्य विभाग से कोई वेतन वगैरह दिया है। इनका वेतन ग्राम पंचायत, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं ने दिया है, इनका कोई बजट नहीं, कोई पद नहीं। अभी कोविड में तो इमरजेंसी सेवाएं लेने के लिए इनको लगाया गया था, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इनका एक कैडर बनाने का ऐलान किया, और मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, बाकी हेल्थ में इनका कोई पद नहीं है। ये हेल्प में पत्नी सर, लेकिन ये भी कहाँ कह रहे हैं कि परमानेंट कर दीजिए, एक बार की कह रहे हैं कि एक्सटेंड कर दीजिए आप थोड़ा सा समय हमें, क्योंकि कोविड की अब एक नई लहर और आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा है होमगार्ड की तरह इनका कैडर बनाएंगे, जहाँ इनकी आवश्यकता होगी वहाँ सेवा लेते रहेंगे। कोई इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई इनका इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई इनका मेरिट नहीं बना, ना कोई इनका कोई रिजर्वेशन का ध्यान रखा, जो भी आया उनको सबको, कोविड जैसी इमरजेंसी थी देश में जहाँ सब लोगों को जो भी आया उनको लगाया, और केवल कोविड तक लगाया, इसके आगे नहीं लगाया, सेवाएं समाप्त कर दी। हेल्थ में कोई इनका पद नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण में किया इनका ऐलान कि इनका एक कैडर बनाएंगे, कैडर में से जो भी आवश्यकता होगी, जब भी आवश्यकता होगी सरकार को, तो इनकी सेवाएं लेते रहेंगे। कह रहे हैं कि संविदा के भीतर हमें अगर ले लिया जाएगा तो आगे चल करके हमें उसका बेनिफिट मिल पाएगा। संविदा पे लेने का सवाल ही नहीं उठता है, संविदा पे उन्हीं को लिया जाता है, जैसे कोई पद होता है हमारे फार्मासिस्ट का है, टेक्नीशियन का है, NM का है, GNM का है, वो पद हमारे हैं, उन्हीं में लिया जाता है संविदा पर भी, फिर उन्हीं को परमानेंट। इनका कोई पद ही नहीं है हमारे यहाँ, हेल्थ में कोई पद ही ना है, ना हेल्थ से पद नहीं था सर, लेकिन जिस तरह से ना हेल्थ से इनको कोई वेतन दिया है। महामारी का खतरा सर अभी टला नहीं है, सरकार एक बार फिर से दिल्ली में जिस तरह से कैडर बना रहे हैं, इसलिए कैडर बना रहे हैं होमगार्ड की, जब भी आवश्यकता होगी तो उनकी सेवाएं लेते हैं, उसी तरह होमगार्ड की तरह इनका कैडर बना रहे हैं, जब भी आवश्यकता होगी, मान लो दोबारा कोविड आता है, आवश्यकता होगी तो इन्वेस्ट लेंगे। नहीं तो अभी आपको नहीं लग रहा कि मौजूदा स्थिति जो है जिस तरह से दिल्ली के अंदर अभी नहीं, पर महेश मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, जब इनको हायर किया गया, इनके कॉन्ट्रैक्ट की जब बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया कि आप इस नौकरी के साथ बाहर कहीं नौकरी नहीं कर सकते, आपने ये कहा कि आप इस नौकरी के साथ हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, तो इस तरह का वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बनाना इनकी तरफ अगर इशारा नहीं था तो क्या था? तो हम उनकी सेवा लेते हैं, चुनाव में होती है और इमरजेंसी में होती है, कहीं भी आवश्यकता लेते हैं, उसी तरह इनका कैडर जो बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया है, बाकी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर एक बात, जिस तरह से पहले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रहे हों या अलग अलग भर्ती के अभ्यर्थी जो UP में गए थे, प्रियंका गांधी से शिकायत कराए थे, उसके बाद में उनके मामलों पे जो है राहत मिली, आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनकी आज कायदे में विज्ञप्ति जारी की गई थी, भर्ती की विज्ञप्ति जारी करके उनके फॉर्म लिए गए थे, उनकी स्क्रूटनी हुई थी, उनका पोस्ट था, उनका पद था, इसलिए उनको लिया गया है, ये पद ही नहीं है। आज जब जैसे वो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जब जाएंगे और वहां पे जब